लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल मेरठ में आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अरुण गोविल नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का एक भव्य रोड शो भी होना है, जो शुभकामना बैंकेट हॉल शास्त्री नगर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक जाएगा। शंख ध्वनि के साथ ही रामायण सीरियल के राम कचहरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो अरुण गोविल आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हमने देखा कि पीएम मोदी ने अपने प्रचार की शुरुआत भी मेरठ से ही की और अरुण गोविल के पक्ष में प्रचार किया। आज वो रोड शो भी करने वाले हैं। चुनावी मैदान में राम है अरुण गोविल, जो कि रामायण सीरियल से काफी फेमस हुए थे और हर घर में उनकी मौजूदगी भगवान राम के रूप में दर्ज की गई। गोविल हमारे साथ है, न्यूज 18 इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव इनसे कन्वर्सेशन देख सकते हैं। सर, आज नॉमिनेशन का डे है, भगवा वस्त्र। भगवा सिर्फ नॉमिनेशन के डे ही नहीं है, भगवा तो आप कभी भी पहनना चाहिए आपको, और पहनना चाहिए, हमेशा पहनना चाहिए, बिकॉज भगवा जो एक जो रंग है वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारे शास्त्रों को, वेदों को दर्शाता है, हमारे सनातन धर्म का वो परिचायक है। हम अभी भी आपसे बात कर रहे हैं, पिछले 12 घंटे में एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। मेरठ से अतुल प्रधान, जो कि सरधना के विधायक हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। वो भी लोकल बॉय हैं, आप भी लोकल बॉय हैं, लेकिन वो 40 साल की उम्र के हैं और आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के, वो काउंटर ऐसा करेंगे। आप अपना चुनाव प्रचार अभियान किन बातों को ध्यान में रखेंगे? चुनाव प्रचार शुरू होने दीजिए, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जनसंपर्क हो रहा है, तो वो आपको तभी पता लगेगा कि मैं किन मुद्दों को लेकर बात करूंगा। और मैं आपको सच बताऊं, मुद्दे जो होते हैं वो सिर्फ मेरे हिसाब से वो सिर्फ प्रगति के लिए होते हैं, डेवलपमेंट के लिए होते हैं। मेरठ में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बीजेपी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किया है। जो मेरठ के सांसद हैं, जो MLAs हैं, उनके उसमें भी कार्यकाल में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे बहुत बड़े मुद्दे रहे होंगे। बस बेसिकली ये है कि जो काम जिस गति से हो रहा है वो उस गति से होता रहे, जो काम अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, अगर हम वहाँ पार्लियामेंट में पहुँच जाते तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो जो काम है वो सब उसी गति से चलता रहे, बल्कि और उसकी गति हम बढ़ा दें, उसका वॉल्यूम हम बढ़ा लें, जो भी हो सकता है विल ट्राई टू डू दैट। अरुण जी, पूरी दुनिया ने आपको भगवान राम के किरदार के रूप में देखा, तो जब वह किरदार आप अदा कर रहे थे, मेरठ का प्रभाव किस तरीके से आपके उस किरदार को सफलतापूर्वक अदा करने में मेरठ का प्रभाव कारगर साबित हुआ? नहीं, उस जो किरदार है उसके लिए मेरठ जो है वो मेरा, मैं मेरठ का हूँ, ठीक है, मेरठ में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरठ में मैं बड़ा हुआ, मेरठ में मैंने पढ़ाई की है। तो जो वो जो हमारी मातृभूमि या जन्मभूमि होती है वो कभी भी हमारे मन से निकलती नहीं है, उसका कहीं ना कहीं असर हमारे सबकॉन्शियस में होता ही होता है, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर हुआ होगा। अवध क्षेत्र में भगवान राम है, भगवान राम का राम मंडला का मंदिर भी बना है, अब क्या आप समझते हैं कि आपके इस कैंडिडेटचर से मेरठ तो ठीक है, अन्य लोकसभा की सीटों पर भी क्या असर पड़ेगा? अरुण जी, एक संदेश तो जाता है ज़रूर, तो मुझे लगता है वो संदेश जाएगा तो उसका असर पड़ना चाहिए, बिल्कुल। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को भगवान राम से जुड़ी कोई चौपाई आप सुनाना चाहेंगे? एक दोहा है, राम नाम मणिदीप धरू जी ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जहाँ चाहसी उजियार। यानी जिस तरह घर की ड्योड़ी पर दीपक रखने से घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला होता है, उसी तरह अपने मुख की ड्योड़ी पर राम का नाम रख ले, तेरे अंदर भी उजाला हो जाएगा और तेरे बाहर भी उजाला हो जाएगा। एक अंतिम सवाल सर, आप एक बार जब सफल हुए, पहली प्राथमिकता क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी? वो मैं तब बताऊंगा जब मैं पहले मुझे सफल हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं एक वक्त में एक काम करता हूँ। अभी मेरा जो पूरा ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो इस चुनाव पर है। एक बार ये हो जाए उसके बाद हम आगे बात करेंगे।